राजस्थान के सियासी घमासान के बीच चुप्पी साधे बैठी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अचानक दिल्ली पहुंचने ने नई हलचलें पैदा कर दी है। राजे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, साथ ही लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार मुलाकात कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एक दिन बाद शनिवार को राज्य ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब वसुंधरा के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तैयारियां कर रही हैं। इसके बाद वे 11 अगस्त तक जयपुर लौटेंगी। हम आपको बता दें कि जानकार वसुंधरा राजे ने दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक को कई मायने के साथ देख रहे हैं। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि नड्डा से मुलाकात कर राज्य ने प्रदेश के कुछ नेताओं का नाम लेकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि उनके खिलाफ गलत बयानबाजी व गुटबाजी की जा रही है। राज्य ने नड्डा से ये साफ किया है कि वे उनके खिलाफ की जा रही बयानबाजी से आहत हैं, लेकिन पार्टी के साथ उनकी पूरी निष्ठा है। वहीं राजनाथ सिंह से हुई करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग में राजे ने उन्हें राजस्थान में चल रहे सियासी संकट से अवगत करवाने के साथ अन्य मुद्दों से जुड़ी चर्चा भी की। ये जानकारी मिली है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन महामंत्री बीएल संतोष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद अब राजे पीएम से मुलाकात करेंगी। इसकी पहली वजह उनके खिलाफ पार्टी और अलायंस में शामिल आरएलपी के नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी से पीएम मोदी को अवगत करवाना है। वहीं प्रदेश बीजेपी की ओर से की रही गुटबाजी और उनके साइडलाइन करने की कोशिश जैसी बातों की जानकारी भी राजे पीएम मोदी को देंगी। एसपीएन 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।